नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चुनवीआं खबरां। केंद्र सरकार सैर सपाटे नूं उत्साहित करन लई छेती ही नवी राष्ट्रीय सैर सपाटा नीति लियावेगी। भारतीय खुराक कारपोरेशन की पंजाब समेत 12 सूबों में 240 थावां ते 111 लाख मीट्रिक टन समर्था के आधुनिक स्टील भंडार केंद्र बनाने की योजना। केंद्र सरकार वालों कणक समेत 6 फसलों के घट्टो घट समर्थन मुल विच कीते वाधे दा लोगों ने भरवां स्वागत किया है। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ने पराली साड़न नूं रोकण लई जागरूकता लियाउण ते दित्ता जोर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार जल्द ही देश विच सैर सपाटे नूं उत्साहित करन लई नवी राष्ट्रीय सैर सपाटा नीति 2022 लैके आवेगी। कल नवी दिल्ली विच टूरिस्ट पुलिस स्कीम बारे राष्ट्रीय सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं केंद्रीय सैर सपाटा मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह नीति आंदे बजट सैशन तो पहला लॉन्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि सैर सपाटा खेतर 2047 तक भारत नूं एक विकसित राष्ट्र बनाउण विच मुख भूमिका अदा करेगा। इस मौके ते बोलदिआं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत सैलानियों नूं सुरक्षित वातावरण दे के विश्व विच सब तो वधिया सैलानी मंजिल बन सकदा है। उन्होंने कहा कि भारत कुदरती सोमिया विरासत अते एडवेंचर नाल पूरी तरह प्रफुल्लत है। उत्तराखंड विच श्री बद्री केदार धाम विखे केंद्र सरकार की मदद नाल अनेकां विकास प्रोजेक्ट चल रहे ने। इन्हां विकास प्रोजेक्टां दा मकसद इस धाम विच देश विदेश तों आउण वाले श्रद्धालुआं नूं सहूलतां प्रदान करना है। लोक इन्हां विकास कार्जां तों बेहद खुश ने। ये राष्ट्र के लिए एक धरोहर बन रहा है। ये जो कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, ये तात्काल इसका प्रभाव कुछ परेशानी होगी, पर भविष्य में ये देश के लिए एक मिसाल बनेगी, मील का पत्थर बनेगा। ये किसी का व्यक्ति नहीं, व्यक्ति को होगा। हम देश का निर्माण चाहते हैं, देश का बढ़िया हो और मंदिर की भव्यता दिव्य और भव्य बने। काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और भविष्य में सोच रहे हैं कि भाई आने वाले समय में भी हमारे लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी और भगवान बद्री विशाल जी के लिए भी अच्छा ही हो। काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे जो भी मास्टर प्लान का है। इसमें एक तो सफाई अच्छी हो जाएगी और यात्रियों को सुविधाएँ अच्छी मिलेगी, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित हो या खाने पीने से लेके हो या रहने की सुविधा अच्छी हो जाएगी। जब डेवलपमेंट होगा हमारे एरिया का होगा, कल हम लोगों को फ़ायदा होगा जो यहाँ के रहने वाले हैं। शुरू में दिक्कत सबको होती है, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट का प्लान है, मैं तो सपोर्ट करता हूँ सरकार को, इसके ऐसा होना चाहिए। सर, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है मोदी जी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा विकास होगा, अच्छा रोज़गार मिलेगा सबको और जो आज तक चली आ रही, जो आज तक मतलब जो है इसमें जो है ठीक नहीं था, लेकिन अब अच्छा चल रहा है, आगे अच्छा चलेगा, आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा चलेगा। मैं बंगाल से आ रखा हूँ, यहाँ काम करता हूँ। यहाँ सर जैसे देख रहे हैं डिप्लो कुछ ज़्यादा अच्छा हो रहा है, आने वाली कल पे हमारे भी रोज़गार बढ़ जाएगी और लोगों के लिए भी भला होगा, अच्छा हो जाएगा। भारतीय खुराक कारपोरेशन की 12 सूबों में 249 थावां ते 111 लख मीट्रिक टन समर्था के आधुनिक स्टील भंडार केंद्र बनाने की योजना है। यह भंडार केंद्र जनतक निजी हिस्सेदारी 9,236 करोड़ रुपए की लागत नाल बनाए जाएंगे। इसका निर्माण अगले 3-4 वर्षों में 3 गेड़ों में पूरा होगा। पहले गेड़ विच पंजाब, हरियाणा ते जम्मू कश्मीर समेत 9 सूबों में 80 थावां ते यह भंडार केंद्र बनाए जाएंगे। खेतां लागे स्थापित होने वाले ये आधुनिक भंडार केंद्र फसल दे खरीदार वजो भी काम करनगे अते इस नाल किसानां नूं अपनी फसल वेचण लई दूर बाजार तक नहीं जाना पवेगा। केंद्र सरकार ने कणक समेत 6 फसलों के घट्टो घट समर्थन मुल MSP विच वाधा किया है। इस वाधे का खेती खेतर नाल जुड़े लोगों ने भरवां स्वागत किया है। तरन तारण जिले के वख-वख लोगों ने इस बारे साडे नुमाइंदे बिशंबर बिट्टू नाल अपने विचार सांझे कीते। 10 रुपए प्रति क्विंटल कणक के हिसाब नाल वाधा किया वा, होर भी इन्होंने फसलों के MSP का वाधा किया, जो भी किया सेंटर सरकार ने बहुत वधिया किया है।
तो सानू बहुत खुशी हुई है। असी होर भी उम्मीद करते हैं, चलो सेंटर सरकार ने किया, कोई पंजाब सरकार भी करेगी तो ऐ हौली हौली जिम्मेदार अपने आप उपर हो जाएगा। तो जो भी सेंटर सरकार सोच रही है बहुत वधिया सोच रही किसानों बारे। पर सरकार ने फिर भी पिछली बार नालों कुछ थोड़ा बहुत वधिया सोचा वा, 110 रुपये जो वधाए हैं, नहीं तो 30-40-50 रुपये तो वध कभी कोई इन्होंने मंग नहीं सी अपने किसान की जी पूरी होती, घटा के हमेशा वधाए से, पर ऐड की 110 किए आ। पर आस करते हैं कि आने वाले समय के 110 तो वध इस किसानों जो सू भा दिता जाए, इन्हें साढ़े जोड़े खर्चे आ ठेके आ जां दवाइया बूटिया दे होर भी खर्चे जो साढ़े पूरे हो सकन। ये सेंटर गौरमेंट का भी असं कोटन कोटन धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने कि किसानों बहुत चंगा फसल का झोने का रेट तो सूरजमुखी का रेट वधा के दिता है। असं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं जी सेंटर गौरमेंट का। जो किसान ने यह बहुत खुश ने क्योंकि रेट वध गया, पहला साढ़ा खर्चा पूरा नहीं सी हुंदा, हुण बहुत ज़्यादा थोड़ा फर्क पै गया। तो असं जो ठेके से लैके जमीन चलाने सानू ज़्यादा फायदा होएगा, असं इसका बहुत स्वागत करते हैं। पंजाब दे मुख सकत्तर विजय कुमार जंजुआ ने मुख सरकारी अधिकारियों सारे जिलों पराली नू अग लाने की जमीनी स्थिति का जायजा लैण लई लगातार निरीक्षण करन लई आख्या है। उन्होंने कहा कि पराली साड़न दीआं घटनावां कारण पंजाब नू राष्ट्रीय पद्धर ते नमोशी झलनी पै रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता कमिशन अते नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सूबे विच पराली नू साड़न दीआं घटनावां ते चिंता प्रगट कीती है। उन्होंने कहा कि पराली नू अग लाउण दीआं घटनावां दी जमीनी स्थिति नू घोखणा बहुत जरूरी है, इसलिए संबंधित सीनियर IAS अधिकारी आपो अपने जिलों विच निगरानी करन। पंजाब सरकार ने सूबे विच 23 जिलों विच 23 सीनियर IAS अधिकारी तैनात किए ने। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी फसलों की खरीद की प्रक्रिया की निगरानी करन अते उन्हां दे वख-वख जिलों विच भलाई स्कीमां नू लागू करन लई तैनात किए गए ने। मुख सकत्तर ने यह जानकारी कल चंडीगढ़ विच उच्च अधिकारियों अते पंजाब दे सारे डिप्टी कमिश्नरां नाल पराली साड़न दीआं घटनावां ते काबू पाउण अते इस दे प्रबंध लई बुलाई गई मीटिंग विच दित्ती है। खेतां विच पराली नूं लाई जांदी अग रोकण संबंधी एक मैगा जागरूकता मुहिम चलाउण बारे नैशनल सर्विस स्कीम NSS दे वलंटियरां दी मदद नाल एक समागम पटियाला विच आयोजित किया गया। इस मौके पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड दे चेयरमैन आदर्श पाल विग ने कहा कि पराली साड़न दी थां इस नूं खेतां विच ही गाल दित्ता जाणा चाहीदा है जां होर अड-अड तरीकियां नाल इस दा इस्तेमाल कीता जा सकदा है। उन्हां वलंटियर्स नूं पिंडां विच जाके लोकां नूं जागरूक करन अते पराली साड़न तों इलावा होर उपा वरतन लई प्रेरित करन वास्ते आख्या। पंजाबी यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर प्रोफेसर अरविंद ने कहा कि वातावरण संबंधी जागरूकता बारे अजिहे प्रोग्राम साल भर जारी रखने चाहिए ने। युवा मामले ते खेड मंत्रालय दे दिशा निर्देशां अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठना वल्लों देश भर विच लोकां नू स्वच्छता लई जागरूक करन दे मकसद नाल 1 अक्तूबर तों क्लीन इंडिया 2.0 मुहिम दा आयोजन कीता जा रहा है। इस दे तहत कल नेहरू युवा केंद्र बरनाला वल्लों पिंड बद्दरा विच दशमेश युवक सेवावां क्लब दे सहयोग नाल सरकारी हाई स्कूल बद्दरा विच क्लीन इंडिया मुहिम चलाई गई, जिस विच बच्चियां नू अपने आले दुआले दी साफ सफाई रखने लई प्रेरित कीता गया ते एक रैली कढ़ी गई। जिला युवा अधिकारी मैडम ओमकार स्वामी ने इस मौके बोलदिया कहा कि सानू अपने आले दुआले नू हमेशा साफ रखना चाहिदा है, जिस नाल जानलेवा बीमारियां तो बचना चाहिदा है। उन्हां कहा कि क्लीन इंडिया मुहिम दा मुख उद्देश कूड़ा मुख तौर ते सिंगल यूज प्लास्टिक नू साफ करन प्रति जागरूक करना अते देश नू प्लास्टिक मुक्त बनाउणा है। फसली विभिन्नता नूं हुलारा देण अते खेतीबाड़ी विच पाणी दी संभाल नूं उत्साहित करन दे मंतव नाल भूमि ते जल संभाल विभाग वल्लों पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा विखे एक सैमीनार दा आयोजन कीता गया। इस सैमीनार दा विशा रहा आलू दी खेती लई सूखम सिंचाई नूं अपनाउणा। यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर सतबीर सिंह गोसल ने खेतीबाड़ी विच माइक्रो सिंचाई तकनीकां वल जाण दी जरूरत ते जोर दिता अते पानी दे डिगदे पद्धर नूं वेखदिआं किसानां नूं स्मार्ट खेती तकनीकां अपनाउण दी अपील कीती। सैमीनार नूं डायरैक्टर रिसर्च अजमेर सिंह डट समेत होरना खेती माहिरां ने भी संबोधित कीता अते तुपका ते छिड़का सिंचाई प्रणालियां दी वरतों संबंधी जागरूक कीता। आलू काश्तकारां वल्लों दरपेश समस्यावां अते उन्हां दे हल बारे विस्थार नाल चर्चा हुई। जिक्रयोग है कि सूबे विच हर साल तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर रकबे विच आलू दी फसल उगाई जांदी है।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RIU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।